हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी सूजी और बेसन का नाश्ता। फ्रेंड्स, आज मैंने इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल में बना के तैयार किया है। जो लोग ऑयल कम खाते हैं वो भी इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं, और बहुत ही कम चीज़ों का इसमें यूज हुआ है। तो आप इस नाश्ते को जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो झटपट से इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बेसन। आपको आधा एक अपने हिसाब से आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी बेसन ले रही हूँ, यानी कि 1 कप। इसी हिसाब से हम इसमें लेंगे सूजी, यानी कि जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही हम इसमें सूजी लेंगे। सूजी हमें बिल्कुल फाइन लेनी है। अगर आपकी मोटी सूजी है तो मिक्सी के जार में डाल के आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, यानी कि उसको पीस लें। अब हम इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पानी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का पतला बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो एक साथ पूरा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है, बट जो बैटर है अभी बहुत ज़्यादा थिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 कप पानी और डाल देते हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसमें टोटल 2 कप पानी का यूज कर लिया है, और जो बैटर है बिल्कुल बढ़िया एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना है। हमें बिल्कुल इस तरह से देखी कराने से आपको पता चल रहा है, यानी कि बिल्कुल इस तरह का हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है। अगर आपको और थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, उसमें लम्स भी बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी का पाउडर, और हम इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ हल्दी का पाउडर ही इसमें यूज करेंगे, बाकी के सारे मसाले हम बाद में यूज करेंगे। इस टाइम पर हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस टाइम पर हल्दी डाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, हल्दी को मैंने मिक्स कर लिया है और जो बैटर है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन की जगह आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ऑयल मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज ना करें। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। आधे चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ राई के दाने। राई को थोड़ा सा तड़का लेते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 8 से 10 करी के पत्ते। इनको इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने इनको तोड़ के डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से इसमें मिला दिया है। थोड़ी सी अच्छे से फ्राई भी हो गई है इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर बनाया है उसको हम पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी बेसन तले में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हिलाते हुए हम सारे बैटर को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता है। आप नाश्ते को एक बार बना के जरूर देखना। इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी बनता है कि आप रोज़ रोज़ यही नाश्ता बना के खाना चाहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अब हमें इसको जब तक पकाना है जब तक एकदम से थिक, यानी कि डो की तरह ना बन जाए। तो इसको पकाने में टोटल 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही झटपट से इसका डो जैसा बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकाने में। तो अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, और इस तरह से इसको थोड़ा सा तले में चिपके ना, तो इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे स्पैचुला को। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स करते हुए पकाया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको पकते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही टाइम हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे से थिक होता जा रहा है, क्योंकि जो सूजी बेसन है जल्दी से पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी से वो थिक हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको चलाते हुए लगातार पकाना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर इसको पकते हुए टोटल 4 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गया है, और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। यही इसका इंडिकेशन है कि अच्छे से पक चुका है। जैसे ही इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं कि जो हमारा बैटर है काफ़ी अच्छे से एकदम थिक हो गया है डो की तरह। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया एकदम कढ़ाई छोड़ रहा है। अब हम इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाता है ये। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से मैंने गैस पर से इसको निकाल दिया है, और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, क्योंकि जो अभी पैन है काफ़ी गर्म था। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करते हुए मैंने इसको 1 मिनट के लिए और चला दिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया के बीज। ये देखिए, धनिया को मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। इस तरह से आप पाउडर भी डाल सकते हैं, बट इस तरह दरदरा डालेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गर्म मसाला, वो भी हम गर्म मसाले ले सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1 बारीक कटा हुआ हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 बारीक कटी हुई मैं यहाँ पर ले रही हूँ शिमला मिर्च, ये डाल देंगे। 1 बारीक कटा हुआ हम इसमें टमाटर डालेंगे।
थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। फ्रेंड्स सब्जियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और कोई भी सब्जी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हटा दीजिए। अकेले प्याज टमाटर डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो हम इसको हाथों की हेल्प से मिक्स करेंगे। अभी जो डो है यानी पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है मैंने, हल्का सा गुनगुना है यानी कि जितना हम इसको छू पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है तो अभी थोड़ा सा चिपक रहा है हाथों से, तो हम इस हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से इसको थोड़ा सा डो की तरह बना लेते हैं। बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं अगर आप ऑयल लगा के इसको इस तरह से करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से ही पैन में एकदम बढ़िया से सेट कर लिया है। इससे क्या होता है कि हमारे ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसी में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से एकदम डो की तरह बना के इसको तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो हम लेंगे इस तरह की एक प्लेट, उसमें हम ये सारे डो को निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है, हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से, एक नींबू के आकार का हम इसमें से पोर्शन ले लेते हैं और इसको पहले हम इस तरह से गोल करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप इसको गोल आकार में, सिलेंडर आकार में, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसको इस तरह से टिक्की टाइप में। इस तरह से देखने में ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से देखिए मैं एकदम टिक्की टाइप में इसको बना रही हूँ। इसकी किनारियों को बिल्कुल क्लीन कर लें, कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही जल्दी से नाश्ता बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि रोज़ रोज एक एक जैसा नाश्ता खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आप नया नया नाश्ता इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर कम से कम 400-500 तरह के नाश्ते डाले हैं। तो आप नए नए तरह के नाश्ते आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सरल से सरल वीडियो में आपके लिए लेके आती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने सारे कटलेट इस तरह के बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितने ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम, देखिए इस तरह से शेप आई है इनकी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन, पैन में मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है। मैं यहाँ पर इनको सैलो फ्राई करूँगी, आप चाहे तो डी फ्राई भी कर सकते हैं। सैलो फ्राई करने से इनमें ऑयल कम लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उस तरह से सैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और भी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल कम और भी डालेंगे ना तब भी काफ़ी अच्छे से सिक जाते हैं। जैसे कि आप कटलेट डाल दें उसके बाद 1-2 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा ग्रीस करके भी आप इनको सेक सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम इनको सिकने देते हैं, हम इनको तभी टच करेंगे जब ये हल्के से सिक जाएंगे। बीच बीच में हम इनको एकदम से टच ना करें, जब ये सिक जाएँ उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम देखिए हमारे टूट गया, हमारा बिखर गया। तो वही यही रीज़न होता है कि आप जैसे वो सिक पाता नहीं है आप तुरंत से उसको पलट देते हैं तो वो टूट जाता है। एकदम सिक जाए उसके बाद ही इसको पलट रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो चुका है। बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ही हमें इनको सेकना है, जिससे एकदम करारी करारी हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हों। तो ये लीजिए, ये इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों को देख सेक के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर देखिए, बहुत ही एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं फ्रेंड्स। इनकी इसका कलर देखिए, देखते ही इसमें मुंह में पानी आ रहा है, इतना क्रिस्पी लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए कटलेट भी सेक लेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर आप सुबह जल्दी में नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आप रात को करके रख दें, सुबह आप गर्मा गर्म इनको सेक लें, यानी कि सारा प्रोसेस आप टिक्कियाँ वगैरह बना के रख दें फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो सुबह आप झटपट से इनको सेक के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं सारी टिक्कियों को सेक के तैयार कर लिया है। तो आप इनको टोमेटो सॉस, हरी चटनी, किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करके देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।